जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था, अनुच्छेद 370 अस्थायी था, संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में अब लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है, उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में 370 और 35 क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या है मायने। अनुच्छेद 370 क्या था? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के सभी कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होता था। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि संविधान में किसी भी बदलाव के साथ देश के सभी राज्यों में लागू कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। संविधान में किए गए बदलाव को लागू करने के लिए वहां के विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ती थी। भारत सरकार जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामलों और संचार से संबंधित ही कानून बना सकता था। अनुच्छेद 35 ए क्या था? अनुच्छेद 35 ए को 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के एक अस्थायी निवासी को सरकारी रोजगार, राज्य में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए विशेष अधिकार देता था। इस अनुच्छेद की वजह से वहां किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। 370 में बदलाव कर केंद्र ने 2 राज्यों में बांट दिया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल लाकर अनुच्छेद 370 में बदलाव किया। इस बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे को छीन लिया गया। इसके साथ ही केंद्र की पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। लद्दाख को बिना विधायिका का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर में एक विधायिका निकाय है, लेकिन यहाँ पर 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं कराया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। दरअसल विवाद अनुच्छेद 370 में जिस तरह से बदलाव किया गया है उसको लेकर है। इस अनुच्छेद में कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था और इसका 1956 में अस्तित्व खत्म भी हो गया था। ऐसे जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की सहमति चाहिए होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जब इस अनुच्छेद में बदलाव किया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था। ऐसे में विधानमंडल की सहमति लेना संभव नहीं था और केंद्र सरकार को इसमें बदलाव करने की ताकत मिल गई। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है? अनुच्छेद 370 में बदलाव के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, क्योंकि इसमें किसी भी बदलाव के लिए राज्य की संविधान सभा की इजाजत की जरूरत होती थी, जिसे 1956 में भंग कर दिया गया था। ऐसे में 370 हटाना उस विलय पत्र के विरुद्ध था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और संविधान सभा अलग काम करती है और विधानमंडल अलग काम करती है। ऐसे में संविधान सभा की जगह विधानमंडल कैसे ले सकती है? इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, चूंकि संविधान सभा पहले ही भंग हो गई थी, ऐसे में विधानसभा को वह पद ग्रहण करना पड़ा। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हो सकता था। सरकार ने दलील दी कि राज्य के निवासियों के खिलाफ भेदभाव होता था, क्योंकि वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था। इसके अलावा सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में उनके या राज्यपाल की ओर से पारित आदेश राज्य विधानमंडल की ओर से पारित आदेशों के बराबर है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन में स्थिति बदलने से यह काम अवैध नहीं हो जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 370 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।